एजुकेशन मीडिया आउ एक अध्याय आपण मानक स्वागत। जदि आपण मैंने चैनल नुआ भिवर होते हैं चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक शेयर और कमेंट करूँ, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल आम अपलोड कर शिक्षणधर्मी नूतन नूतन भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेसन आपण मैंने पाई। आज पुणी सेपरी एक वक्तृता जार शीर्षक हो राष्ट्रभाषा दिवस। माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी वृंद, उपस्थित सज्जन मंडली, श्रद्धेय प्रतिजोगी वृंद एवं मोर सान बड़ भाई और भौणी माने, आज हेउची राष्ट्रभाषा दिवस। एई दिन रे मु किछि कहिबाकु सुजोग पाइथिबारु निजकु भाग्यवान मने करूछि। मोर वक्तव्य जदि कौनसी त्रुटि रही थाए तेबे दोष मार्जन करिबे। आदिब मानव बण जंगल रे घुरी बुलुथिला, भाव प्रकाश पाई से जेतेबेले विभिन्न चित्र ठार इत्यादि व्यवहार करुथिला, तार अभावरु भाषार उद्भावन हेला। भाषा मनीष मनर भावना को यथार्थ रूप देला। मानव जहाद्वारा निज मनर भाव अन्यर बोधगम्य करिपारे ताहा ही भाषा। भावना बिना भाषा नहीं। मनुष्यर वाक्शक्ति ही भाषार उद्भावक। ईश्वर मनुष्यर स्रष्टा किंतु मनुष्य भाषार स्रष्टा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वाक्शक्ति द्वारा भाषार सृष्टि होइछि। यह वाक्शक्ति जो मनुष्य इतर जीवन पृथक। अनेक पशुपक्षी विभिन्न ध्वनि व्यवहार करती, से ध्वनि मध्यम से सीमित सूचना प्रदान करते। जिम कॉर्बेट कहती जो शिकारी जंगल मध्य पशुपक्षी भाषा बुझिपारे ना से निजे शिकार में परिणत हो जाए। पशुपक्षी मानकर ध्वनि भाषा नुहे, से बौद्धिक प्रेरणा इंटेलिजेंट इंस्पिरेशन न थाए। समस्त भाषा सामान नुहे। स्थल विशेष विभिन्न स्थान में विभिन्न भाषार प्रचलन है। विभिन्न भाषा द्वारा सेमानक भितर समन्वय स्थापन कष्टकर व्यापार। गोटे स्वाधीन राष्ट्र में राष्ट्रभाषार मूल्य बहुत। राष्ट्रभाषा अभाव देश दुर्बल हो जाए एवं देशवासी मध्य संगति स्थापन हो पार नए। एकतार अभाव में नाना प्रकार विशृंखला देखा देखाई तेणु राष्ट्रभाषा आम को एकता सूत्र में बांधि रखती। भारत मुख्य भाषा हूँ हिंदी। यही भारत बर्षर अन्य नाम हिंदुस्तान। वर्तमान आम देश में 1752 टी आंचलिक भाषा रही, मात्र से मात्र 16 टी भाषा को आम संविधान स्वीकृति देती। से 16 टी भाषा मध्य आम मातृभाषा ओडिया मध्य गोटे। ओडिशा रे ओडिया मातृभाषा हेले मध्य हिंदी आम राष्ट्रभाषा। ओडिया भाषा पर आम राज्य में हिंदी मध्य प्रिय हो पारी। हिंदी भाषा भारत 6 राज्य में बहुल भाव प्रचारित। हिंदी भाषा कहिबा और बुझिबा सहज। राष्ट्रभाषा हेतु आम दूरदर्शन जातीय प्रसारण विभिन्न सिनेमा धारावाहिक इत्यादि हिंदी भाषा प्रचारित होता है। यह सरल बोधगम्य और हृदयग्राही अटे। पाठ पढ़ी अशिक्षित लोकों ठूँ आरंभ कर छोट पिला पर्यंत हिंदी भाषा को बुझिपारी था। भारत बहुलोक भाषा को भाव प्रकाश माध्यम रूपे ग्रहण कर हिंदी भाषा को आम राष्ट्रभाषा मान्यता मिली। आम राज्य में हिंदी प्रचार और प्रसार पर सरकारी और बेसरकारी स्तर में उद्यम जारी रही। विद्यालय मानक हिंदी भाषार प्रचलन बाध्यतामूलक कर प्राथमिक विद्यालय गुड़िक पढ़ुवा छोट छोट पिला हिंदी कह हिंदी गीत बोलवा देखिले आम राष्ट्रभाषार बहुत प्रसारण जमापड़े। बेसरकारी उद्यम रे उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक ठारे प्रतिष्ठित होइछे। यार प्रतिष्ठित स्वर्गीय अनुष्या प्रसाद पाठक। पुरी रे मध्य राष्ट्रभाषा परिषद और कटक रे हिंदी भाषा समिति रही। विनिमय और प्रोग्राम भली हिंदी पत्रिका मान ओडिशारु प्रकाशित होउछि। एही सब पत्रिकारे ओडिशार संस्कृति परंपरा ऐतिह्य आदि स्थानित होइछि। ओडिशार लेखक श्रीनिवास उद्गाता डॉक्टर वनमाली दास, प्रोफेसर तारिणी चरण दास, डॉक्टर विजय पटनायक, डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जातीय स्तर में सुनाम अर्जन करिसेंति। डॉक्टर अजय पटनायक द्वारा रचित फकीर मोहन और प्रेमचंद गोटे अमूल्य हिंदी ग्रंथ। देश स्वाधीन पर 1949 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारीख में हिंदी को भारत राष्ट्रभाषा मर्यादा मिलला। 1962 मसीह भारत संसद राष्ट्रभाषा आईन को अनुमोदन कला। 1976 मसीहा ठारु केन्द्र सरकार राष्ट्रसभा को प्रत्येक राज्य सरकारी कार्यालय प्रचलन लागि निर्देश देती। जदि भारत सब राज्य और केन्द्रशासित अंचल मध्ये हिंदी भाषार प्रसार लाभ कर तेबे लोक मानंकर भावना विचारधारा सुविधा असुविधा सहज बोधगम्य हो पार। एकता प्रतिष्ठा कौन से अंतराय रही, जातीय संगति स्थापन सहज हो पार। ये मुझ मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।